हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। अगर आप एक फ्रेशर हो, अपना करियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशंस की, स्किल्स की, कैसे आप जॉब्स को फाइंड आउट करके अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने बीए, बीकॉम, बीबीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स हो। हालांकि कुछ बैंक 45% मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर बैंक एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं एज की। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप बैंक जॉब के लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज की बात करें तो अलग अलग बैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ बैंक अप टू 26 इयर्स के ही फ्रेशर्स को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि कुछ प्रोफाइल्स के लिए, कुछ बैंक्स के लिए अगर आपकी एज 30 इयर्स है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है और आप अपना करियर बैंकिंग के अंदर बनाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक दूसरी कंपनी में जो कि बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड हो उसमें आप 6 months 1 year का एक्सपीरियंस गेन कर लो। इससे आपका जो फ्रेशर का टैग है वो हट जाएगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप अपना करियर बैंकिंग के अंदर बना पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है आपका क्रेडिट स्कोर। माय डियर फ्रेंड, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि आप जब भी बैंक जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है तो मोस्टली सभी बैंक आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ बैंकों का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, वो 730-740 से ऊपर वाले क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को ही एक्सेप्ट करते हैं। बट आपको इंश्योर करना है कि आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम 700 होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इससे कम है तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसके कुछ जो टिप्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना शुरू कर सकते हो। आई होप इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आप मैच करते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल होती हैं बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर किसी के लिए डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो आपको सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर की प्रोफाइल्स में जाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको दूसरों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना अच्छा लगता है, तो आप कस्टमर सपोर्ट पर जा सकते हो। अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज करने में मजा आता है, काम करने में अच्छा लगता है, आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, ब्रांच के अंदर रहकर ही आप काम करना चाहते हो, तो आप ऑपरेशंस के अंदर जॉब्स को कंसीडर कर सकते हो। ये मेजर जॉब है जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग है, लोन डिपार्टमेंट है, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स की प्रोफाइल होती है। इसी तरह की बहुत सारी प्रोफाइल है जिसको आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हो। हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं, उनकी क्या करियर प्रोजेक्टरी होती है, क्या सैलरीज होती है, उनके ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं। उन सभी की जो आपको प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं सैलरी और कॉम्पनसेशन की। माय डियर फ्रेंड, कोई भी जॉब करता है तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सैलरीज जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, फ्रेशर की सैलरी 2.5 लाख से लेकर के 6 लाख पर एनम तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल, बैंक एंड द लोकेशन। अभी जैसे मैंने प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताया, उस प्लेलिस्ट में हर एक जॉब प्रोफाइल की डिफरेंट सैलरीज के बारे में हमने बता रखा है, उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रखा है। तो मैं आपको वापस से बोलता हूँ कि वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करो, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, अब बात करते हैं कि आपकी आखिर जॉब लगेगी कैसे। बैंक में जॉब पाने के लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, अपने आप को बैंक जॉब के लिए तैयार करना होगा। इस प्रिपरेशन का सबसे पहला पार्ट आता है आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज। आपने ग्रेजुएशन में बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा, फाइनेंस सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको रिफ्रेश करना है और जो थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकल से रिलेट करना है। तो आपको बैंकिंग की रीसेंट टेक्नोलॉजीज क्या हैं, क्या बैंकिंग प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं, कितने सारे बैंक्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज होती हैं, वो सब कुछ समझना है और आपको बैंकिंग की इन डेप्थ नॉलेज लेनी है। सेकंड, आपको प्रिपेयर करना होता है अपना रिज्यूमे और कवर लेटर। आपका जो आपने अभी रिज्यूमे बना रखा है वो बैंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है। आपको बैंकिंग के हिसाब से अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, अपने की स्किल्स लिखने हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है, एक्सपीरियंस लिखने हैं और अपने रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाना है। माय डियर फ्रेंड, ATS फ्रेंडली अगर आपका रिज्यूमे नहीं होगा तो आपकी कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। हमारे कोर्स मैं भी बैंकर के अंदर हमने रिज्यूमे के फॉर्मेट्स दे रखे हैं ATS फ्रेंडली,
और इंपॉर्टेंट बात, हर एक प्रोफाइल के लिए डिफरेंट रिज्यूमे होता है। जो मैंने प्रोफाइल्स बताई आपको पहले, एक सेम रिज्यूमे आप हर एक प्रोफाइल के लिए नहीं यूज कर सकते, आपको हर एक प्रोफाइल के लिए एक डेडिकेटेड रिज्यूमे चाहिए होता है। तो हमने अपने कोर्स के अंदर सारे रिज्यूमेस कवर किए हैं। इसी तरह से कवर लेटर आपको एक अच्छा कैंडिडेट प्रूफ करता है, आपके एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। तो मैं भी बैंकर कोर्स के अंदर ना सिर्फ हमने रिज्यूमे के टैम्पलेट्स लिए हैं, साथ ही साथ हमने कवर लेटर के टैम्पलेट्स भी दिए हैं, ताकि आप उनमें अपनी इन्फॉर्मेशन भर के कस्टमाइज करके अप्लाई कर सको, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करा सको। और कहने की बात नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की इनडेप्थ डिटेल भी हमने कोर्स के अंदर कवर की हुई है। अब आपकी जब प्रिपरेशन हो जाती है, सेकेंड लेवल आता है आपको जॉब्स को फाइंड करना और जॉब्स को अप्लाई करना। आप जॉब्स को 5 डिफरेंट तरीके से फाइंड और अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले रेफरेंस, अगर आपकी कोई जान पहचान का पर्सन है तो आप रेफरेंस लगा के जॉब पा सकते हो। अगर आपको रेफरेंस नहीं है तो हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है बैंक के करियर पेज। हर एक बैंक का करियर पेज होता है, उसके ऊपर वो लेटेस्ट ओपनिंग्स को शोकेस करते रहते हैं। सो आपकी हेल्प के लिए हमने इंडिया के जो टॉप 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सभी के करियर पेजेस के जो लिंक है वो एक ही जगह कंपाइल किए हैं। ये हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, हालांकि अभी तक ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन आपकी हेल्प के लिए इसको हम अनलॉक कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, मैं भी बैंकर कोर्स के अंदर जाना है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे फाइल एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप डिफरेंट करियर पेजेस पे जाओगे और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका रिज्यूमे इट इज फ्रेंडली नहीं है और आपने करियर पेजेस के ऊपर अपनी प्रोफाइलिंग ठीक से नहीं की, तो आपको कॉल के आने के चांसेस नहीं होंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सही तरीके से किया जाता है, कोर्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियोस की हेल्प से आपको पूरी हेल्प कर रखी है। जॉब को फाइंड आउट करने का और अप्लाई करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है जॉब पोर्टल्स। Naukri.com, LinkedIn, Monster.com, Shine.com, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब पोर्टल्स हैं। इनके ऊपर बैंक्स की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पे अगेन सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि हमने अपने कोर्स के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी हैंड होल्डिंग कर रखी है। LinkedIn प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, कैसे रीच आउट करोगे, कैसे रेफरेंस लोगे, सब कुछ सिखा रखा है। बैंक के अंदर जॉब मारने का अगला तरीका होता है, जो बैंक्स हैं, हर एक बैंक ने अपने डेडिकेटेड कोर्सेज को चला रखा है। इन कोर्सेज की जो फीस है वो 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक है। 6 months to 1 year के कोर्सेज हैं, हर एक बैंक अपने कोर्सेज कराता है। और जो उन कोर्सेज को करते हैं स्टूडेंट्स, उनका हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उनकी जॉब जो है बैंक पे लगती है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आप बैंक के कोर्सेज को भी कंसिडर कर सकते हो, हालांकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा है और पैसा बहुत ज्यादा लगता है आपका इनिशियली। अब सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट नंबर आता है आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन। माय डियर फ्रेंड, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैन मेक इट और ब्रेक इट। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आई है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है। आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपके इंटरव्यू की क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए। इन सब में आपकी हेल्प हमने कोर्स के अंदर की है। बैंक के अंदर पूछे जाने वाले 150 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की हमने एक ईबुक बनाई है। इसके अलावा 5 और ईबुक है। ये सब कुछ हमने कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है, ताकि आप अपने इंटरव्यू की अच्छी तरह तैयारी करो, इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ। सो नाउ आई होप आपको क्लैरिटी है कि बैंक के अंदर आप कैसे जॉब पा सकते हो। इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। एक चीज की और आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस वीडियो को देख के, हमारा कोर्स मैं भी बैंकर आपकी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इस कोर्स का प्राइस है 1999, यानी कि करीब करीब 2000 रुपए। करंटली ये कोर्स बहुत ही एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चल रहा है, 699, सिर्फ 699 में आपको बहुत कुछ, जो चीजें मैंने आपको बताई सब कुछ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर जो आपको सीखने को मिलेगा। आप जाइए इस कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हो तो यूज कीजिए कोड सब्सक्राइबर और आपको सीधा 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। तो जाइए और फटाफट से कोर्स को चेकआउट कीजिए, कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए और कूपन कोड यूज करना मत भूलना फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।